दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हो टैगेगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को पता है अभी जो है नथिंग फोन के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, तो उसके आज मैं लॉन्चर के बारे में बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पर मैं आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उस तरीके के लॉन्चर को जो है आप अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करेंगे, कुछ विजेट भी जो है आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अभी मैंने लगाया हुआ नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है मेनू में। आप देखेंगे सर्च बार नीचे आ रहा है, ठीक है। आप जो है इसको लगा के देखते हैं, उसके बाद जो है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और जो है यहाँ पर आपके सामने आएगा नथिंग लॉन्चर। बीटा टेस्टिंग में अभी चल रहा है क्योंकि दोस्तों नथिंग फोन भी जो है अभी आया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट सेक्शन में बीटा प्रीव्यू ऑफ नथिंग OS, ठीक है। तो उसके लिए है ये अभी, तो इसको जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और जो है यहाँ पर ओपन का बटन आ रहा है, इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। हम वापस से प्ले स्टोर में आ गए, यानी कि दोस्तों ये बैकग्राउंड में लग चुका है, तो वहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा इसे। आप देखेंगे यहाँ पर जो ओपन का अभी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक, क्योंकि ये लॉन्चर है, तो इसको बैक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैंने मिनिमाइज़ किया, तो यहाँ आप देखेंगे नथिंग लॉन्चर का जो है एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इसे जो है सेलेक्ट कर लेना। और देखेंगे उस फ़ोन के जैसी थीम थी, मतलब जैसा होम पेज था उसी तरीके का यहाँ पर आ गया। यहाँ से जो मेरे कुछ ऐप्स थे वो भी यहाँ पर हट चुके। मेनू की बात कर लेते हैं, मेनू में जो आप देखेंगे जो है ये एक सीरियल में आ गए हैं सारे के सारे, ठीक है। पहले जो है सर्च बटन नीचे था, आप देखेंगे ऊपर से छोटा सा बना हुआ रहा है। आप यहाँ से जो है जो भी अगर आपको सर्च करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है आप इसे सर्च कर पाएंगे। आप दोस्तों मैं यहाँ पर विजेट लगा के आपको दिखाता हूँ। आपको जो है ये होम स्क्रीन पर आना है और जो है यहाँ पर होल्ड करना है और विजेट का ऑप्शन आता है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पर ओके आ रहा है। इसके बाद यहाँ से जो है आपको नथिंग जो लॉन्चर है उसे जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से ढूंढ लेना है। आप देखेंगे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है तीन विजेट आए हैं, तो मैं यहाँ पर दो को लगा लेता हूँ। पहले ऊपर वाले को लगाता हूँ, जैसे ये क्लॉक है, इसको मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ और जो है यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रिएट का ऑप्शन क्रिएट के लिए बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और जो है यहाँ पर ये आ गया सिंपली से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगेन जो है दोबारा हम यहाँ पर करते हैं विजेट में जाते हैं और जो है यहाँ से दोबारा से यहाँ पर तीन विजेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरा वाला टाइम, दूसरा भी जो है यहाँ पर टाइम का ही है, और तीसरा वाला दोस्तों यहाँ पर लोकेशन का है, आप चाहे तो उसे भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे जो है यहाँ पर करता हूँ और जो है यहाँ पर इसे ओके करके इसे भी जो क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ लग सॉलिड लेना है ट्रांसपेरेंट, तो मैं यहाँ पर इसे मैंने जो ले लिया है और जो है सिंपल यहाँ पर आ गया है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के विजेट यहाँ पर, अगर आप क्रोम ब्राउजर का या फिर किसी और एप्लीकेशन का यहाँ विजेट लगाना चाहते हैं, तो उसे जो सिंपली और लॉन्चर की तरह से जो है यहाँ पर आप उसे होल्ड करेंगे और जो है यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर ले आएंगे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसे ये चीज़ भी यहाँ पर कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और मुझे नीचे कमेंट में बताना ये आपको ये लॉन्चर कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट में बताना और जो है मुझे बताना आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।